शादी वाला चना दाल फ्राई कभी खाया है? चलिए आज बनाते हैं। इसे बनाने के लिए चना दाल को अच्छे से धो लेंगे और कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और कुछ खड़े गरम मसाले। हाई फ्लेम पर एक सीटी आने दें और फिर लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। चना दाल अच्छे से कुक हो गया है। अब एक पैन में तेल को गरम करेंगे और डालेंगे जीरा। रेसिपी की सारी क्वांटिटी आपको नीचे कैप्शन में मिल जाएगी। खुशबू आने तक जीरे को भून लेना है और अब डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। इसे भी 1 से 2 मिनट तक के लिए खुशबू आने तक भून लेना है। इस स्टेज पर बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और फिर से इसे भून लेना है। अब डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर ले और टमाटर सॉफ्ट होने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। साइड से तेल जैसे ही छोड़ दें, इसमें डालेंगे पानी और ढक करके करीब 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। प्याज और टमाटर को एक बार मैश करते हुए अच्छे से चला लेंगे और इसमें बॉइल्ड किए हुए चना दाल को ट्रांसफर कर देंगे। साथ में डालेंगे गरम मसाला पाउडर, कद्दूकस किया हुआ नारियल जिसे मैंने घी में भून लिया है, चीनी और थोड़ा सा पानी। इन सब को मैश करते हुए एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर करीब 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। दाल फ्राई की बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। एक बार चला ले और ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। बस शादी वाला दाल फ्राई रेडी है।